आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं स्टेट ऑर्गेनाइज टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर एस एल काचरू जी। सर आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी मच जी। सर जिस तरह से आज हम ऑर्गन डोनेशन की चर्चा पे बात करेंगे, सबसे पहले हम कई बार ऐसे देखते, कई सारे स्लोगन हमने देखे हैं कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। नेत्र जो एक हमारा ऑर्गन है उसकी डोनेशन की काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो हम अपने मरने के बाद डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ऑर्गन डोनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताइए हमें। कॉन्सेप्ट ये है कि काफ़ी ऑर्गन जो हैं वो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं डिजीज़ के बाद कि जहां पे उनका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद उसका एक ही इलाज होता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के एक हेल्दी डोनर दे सकता है और उसमें वो रिप्लेस कर सकते हैं जो डिजीज ऑर्गन है पेशेंट में, वो हम रिमूव करके उसको वो नया ऑर्गन दे सकते हैं। ये ट्रांसप्लांटेशन है। अब ट्रांसप्लांट कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, उसमें काफ़ी ऑर्गन्स आते हैं। ऑर्गन्स की मैं बात कर लेता हूँ, मोस्ट कॉमनली किडनी ट्रांसप्लांट जी, दूसरा है लिवर ट्रांसप्लांट, उसके बारे में बाद में बात करूँगा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। दूसरा है लिवर ट्रांसप्लांट जो आपने भी सुना होगा, आजकल बहुत होता है, काफ़ी सेंटर्स में स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट हो सकता है, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट हो सकती है, लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। तो उसके बगैर बाकी टिश्यूज़ जो आते हैं, टिश्यूज़ मतलब किसी और पेशेंट से लेके दूसरे टिश्यूज़ में लगा सकते हैं, उसमें हम आइज़ की बात कर रहे हैं जी। आई ट्रांसप्लांट तो आपने ऑलरेडी कहा, नेत्रदान, स्किन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बॉडी के कहीं ना कहीं मैक्सिमम पार्ट्स जो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरह से यह है कि लिविंग आदमी भी दे सकता है, लिविंग इंसान भी दे सकता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस अपनी है। मतलब किडनी इंसान को भगवान ने दो दी है, अगर वो एक दान करेगा तो एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है। इस तरह से लिवर का एक पोर्शन निकाल के हम दूसरे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, एक पोर्शन, पूरा लिवर तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन लिवर का एक थोड़ा सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा हम लेके दूसरे जिसको ज़रूरत हो उसमें वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन हार्ट, लंग, हार्ट की प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हम। तो इस तरह से हम, इसका सोर्स क्या हो सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑर्गन के लिए, ऑर्गन रिक्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमारे इस कंट्री में हर साल करीब करीब 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट की, 2 लाख, ये तो कम से कम एस्टिमेट है, लेकिन मैक्सिमम 6,000 लोगों को ट्रांसप्लांट मिलता है ऑर्गन डोनेशन के हिसाब से। इस तरह से लिवर ट्रांसप्लांट बहुत कम लोगों को ऑर्गन्स अवेलेबल होती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर मरणोपरांत ऑर्गन्स हम ले सकते हैं एक मरे हुए आदमी से, मरा हुआ आदमी जिसमें ब्रेन डेड है और जिसके ऑर्गन बिल्कुल सही हो, तो क्या ड्यूरेशन क्या रहती है मरने के बाद, कितने समय तक वो अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? मरने के बाद नहीं, ये होता है कि इसको हम ब्रेन स्टेम डेथ कहते हैं। नेचुरल डेथ के बाद ऑर्गन्स यूजुअली अवेलेबल नहीं होते हैं जी। ब्रेन स्टेम डेथ होता है कि आदमी, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, यंग बंदा है यूजुअली, और एक्सीडेंट्स में आपको पता है कि जो जवान लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनकी मौत हो जाती है 20-25 साल के युवा, तो उनमें क्या होता है कि उनको ब्रेन डेड हो जाता है, मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग वो डेड है, लेकिन उनका हार्ट और लंग्स मशीन के जरिए चलते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन लीगली वो हम कह सकते हैं कि दे आर डेड पीपल। उनमें अगर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं ऑर्गन्स उस टाइम, इन टाइम, तो वो किसी के काम आ सकते हैं वो ऑर्गन्स। अब ब्रेन स्टेम डेथ जब हम डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए एक पूरी कमेटी बैठती है जो डेड डिक्लेयर करती है पेशेंट को कि हाँ ये डेड है, न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोसर्जन होता है, आईसीयू होता है, पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टमार्टम मीन्स आफ्टर डेथ, ये बिफोर डेथ, ही स्टिल उसका हार्ट भी बीट कर रहा है, लंग्स मशीन से ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको, लेकिन ब्रेन डेड है, उसको ब्रेन स्टेम डेथ कहते हैं जी। तो उसमें अगर उन्हें ऑर्गन्स प्लेज किए हैं अपने लाइफ टाइम में, उसने बोला है कि मेरे ऑर्गन्स मेरे मरने के बाद किसी को देने चाहिए, तो वो प्लेज करता है फॉर्म, तो ठीक है। अगर नहीं किया है तो हमारा काम ये होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि उसके जो भी रिलेटिव्स है उस टाइम, किथ एंड किन है, दोस्त है, बाकी है जो साथ में होते हैं, उनको हम अप्रोच कर सकते हैं,
और उनको बता सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप इनके ऑर्गन्स, ये डेड हैं और इनके ऑर्गन्स हम ले सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, अगर उनकी कंसेंट हो तो ले के किसी और के काम आ सकते हो। और आजकल एक कंसेप्ट बढ़ रहा है, काफ़ी लोग दे रहे हैं। सर अगर बात की जाए इस कॉन्सेप्ट की, जब अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब कुछ भी चीज़ जो है हर एक चीज़ कहीं ना कहीं पॉसिबल हो चुकी है मेडिकल में। अगर मेडिकल साइंस की बात की जाए, पहले के समय की बात की जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती थी। और कहीं ना कहीं जब ऑर्गन नहीं मिल पाता था तो कहीं ना कहीं कई व्यक्तियों की जो है वो मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, अब इसकी अवेयरनेस की बात चलेगी, क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले तो कोई सोर्स ही नहीं था कि हम किसी की जान बचा सके, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे लीवर का कोई इशू हो, तो हम उसकी जान नहीं बचा सकते। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आया है, अब इसकी अवेयरनेस को लेकर किस तरह से आप काम कर रहे हैं? इसी, ये मेन थ्रस्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे प्रोग्राम का यही है कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ये ला जाए। आपको अगर आइडिया होगा कि पहले पहले रक्तदान के लिए भी लोग बड़ा रिलक्टेंट होते थे, नहीं देते थे, हिचकिचाते थे कि नहीं ब्लड दे के हमारी कमज़ोरी आ जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से इसके लिए, अंग दान के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अभी इस दिशा में काम हो रहा है, स्टार्ट हो गया है, कुछ सालों पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, तो लोगों में आहिस्ता ये कंसेप्ट चला जाता है कि हाँ अवेयरनेस है। और काफ़ी लोग आजकल खुद ही अपने आप को अवेयर करते हैं, प्लेज करते हैं कि हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो खुद ही कहते हैं कि हमने ये दान करना है, हमें फार्म भर दे दीजिए, हमें कार्ड दे दीजिए, और उनको हाँ उनके फार्म हम पर्टिकुलरली भर देते हैं। फार्म भर के उनका एक अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना होता है, उनको इन्फॉर्म करना होता है, और एक विटनेस भी होना चाहिए, दो विटनेस होके कि हाँ जी मैं प्लेज कर लेता हूँ, और प्लेज करके उनको एक बाज़ाबता तौर पर एक कार्ड मिलता है, डोनर्स कार्ड, ऑर्गन डोनर्स कार्ड मिलता है, जो हमारा नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो दिल्ली में है, जो नोटो ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से वो कार्ड बन के आता है, उनको देते हैं। और मरणोपरांत अगर उसकी मर्जी होगी उस टाइम, हाँ अगर उसने प्लेज भी किया है, इसमें एक और शर्त है कि उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उस टाइम, उनकी कंसेंट फिर भी ज़रूरी है, दे कैन इवन से कि नो टू दिस ऑर्गन डोनेशन इवन इफ ही हैज़ प्लेज दिस ऑर्गन्स। अगर उन्हें किया भी है प्लेज, लेकिन उसके रिश्तेदार कह सकते हैं कि नहीं हमने नहीं देना है। ओके, तो अभी तक इसकी अवेयरनेस के लिए कितना काम आपके द्वारा किया गया है? अवेयरनेस के लिए हमारे पास काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके लिए एक तो इंडिविजुअली हम बता देते हैं, दूसरा एनजीओस को इन्वॉल्व करके बता देते हैं, स्कूल्स में जाके, कॉलेज में जाके कैंप्स लगा लेते हैं, काफ़ी बार कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी ये प्रोग्राम की अवेयरनेस बना देते हैं लोगों। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, स्टेट और नेशनल लेवल में किस तरह का है ये प्रोग्राम? जो है नेशनल लेवल पे 2013 में इसका, ये एक्चुअली ऑर्गन एक्ट आ गया इंडिया में 1994 में, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन इसको अमेंड किया उन्होंने 2011 में, और 2013 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन NOTTO, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है सफदरजंग हॉस्पिटल में। और उसके तहत उन्होंने वो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट बनाने के बाद 5 रीजनल सेंटर्स ऑल ओवर कंट्री बनाए हैं, और हमारा नॉर्दर्न इंडिया में रीजनल सेंटर PGI चंडीगढ़ में है, उसको हम रोटो कहते हैं, रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और पहले चरण में उन्हें 5 स्टेट्स में सोटो बनाए, स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, फिर 10 में, 15 में बना दिए, फिर 30 में बना दिए, और आहिस्ता हर एक स्टेट में अब स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अब हर एक स्टेट में स्थापित हुई है। और इसका काम यही है, मेन यही है कि कैडेवर मतलब डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन हो जाए, अंग दान हो जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मेडिकल साइंस की बात की जाए, टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई हैं और वो चीज़ भी पॉसिबल हो पाई हैं जो पहले के समय में पॉसिबल नहीं थी। तो इस समय पे ऑर्गन डोनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस करवाई जा रही है, और कहीं ना कहीं हम लोग अपना योगदान देकर इसकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो क्या एक मैसेज आप हमारे मीडियम से देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि काफ़ी लोग लोगों को आगे आना चाहिए, और उस अपने ऑर्गन्स को प्लेज करना चाहिए कि मरणोपरांत उनके ऑर्गन्स हम डोनेट करना चाहते हैं, तो इसी से इसका किसी और का भला हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद या तो हम बरी करते हैं बॉडी को या जला देते हैं उसको, दाह संस्कार करते हैं, तो वो ऑर्गन्स बेकार हो जाते हैं। बेटर है कि अगर वो अंग किसी और के काम आ जाए। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा नोबल काज है,
और अंगदान महादान है जी। तो यही मेरा मैसेज है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से डॉक्टर एस एल काचरो ने कहा कि अंगदान जो है वो महादान है, और मरने के बाद हमारी वो चीज़ जो है, वो ऑर्गन हमारे काम नहीं आता, वो कहीं ना कहीं किसी और के काम आ सकता है, किसी और की जिंदगी जो है बचा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस मिली हो और आप इस पर ज़रूर सोचेंगे। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीर जनरल अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।